आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर पकड़ी, जहाँ पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से एक प्यारा सा विहार। उस विहार का नाम है मातोश्री रमाई बुद्ध विहार, जो आता है अशोक नगर फुल मोगरा, जिसका जिला है भंडारा महाराष्ट्र। तो फुल मोगरा गाँव का ये प्यारा सा विहार मातोश्री रमाई बुद्ध विहार, इस वक्त मैं विहार में आ चुका हूँ और हजारों की तादाद में उपासक उपासिकाएं भी मौजूद है, यकीन नहीं आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। आप देख सकते कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिकाएं नियमित तौर पर वंदना के लिए आते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। दर्शकों, वक्त हो गया है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। तो कहीं जाइए मत, क्योंकि बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौन सी मुद्रा कहते हैं उसे? भूमिका स्पर्श मुद्रा। भूमिका स्पर्श मुद्रा। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त हो गया इस वक्त एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का, तो आइए सुनते हैं। आज की बोध कथा एक प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे की है, जो जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल की है। ठंडी का मौसम होता है
और ये बच्चा कई दिनों से भूखा प्यासा है, 2-3 दिनों से, और ये कुछ खाने की तलाश करता है। और अचानक एक घर में एक महिला जो दरवाज़ा बंद कर रही होती है, ये वहाँ पहुँच जाता है और उनसे विनती करता है कि आपके घर में अगर कुछ खाने पीने के लिए हो तो क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं। वो महिला बोले, अभी खाने के लिए तो कुछ बनाया नहीं है, मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ, बोले अगर तुम लेना चाहो तो। लेकिन लड़का ये कहता है कि मैं दूध तो ले लूँगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे कुछ काम दीजिए, मैं वो काम करूँगा जिसके बदले में आप मुझे वो दूध दीजिए। ये खुददारी देखकर महिला भी भाव विभोर हो जाती है, वो उसे थोड़ा सा काम देती है, वो कार्य करता है, उसके बाद वो महिला उसे एक गिलास भरकर दूध देती है, वो एक गिलास दूध पी लेता है, किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। जी हाँ, उसके कुछ सालों बाद, कई वर्षों बाद, यही महिला जिन्होंने ये बच्चे को दूध पिलाया था, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उस पर एक उपकार किया था किसी तरह से, तो वो अचानक बहुत बीमार हो जाती है और एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और वहाँ पर उनका कोई बच्चा उनकी देखभाल के लिए नहीं होता है, उनकी आर्थिक परिस्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो ऑपरेशन जो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि करवाना पड़ेगा, वो करवाने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। और अचानक कुछ दिनों बाद उस महिला को पता चलता है कि उसका ऑपरेशन भी हो चुका है और सारा बिल भी पेड कर दिया जा चुका है, सारा बिल चुकाया जा चुका है। वो महिला पूछती कि ऐसे कैसे हो गया, बोले। तो उसे एक चिट मिलती है और उस पर सिर्फ एक लिखा हुआ होता है, कुछ शब्द लिखे होते हैं, एक वाक्य लिखा होता है कि आपके एक गिलास दूध का कर्ज। जी हाँ, ये वही लड़का था जो खुददारी से कार्य करता था, और इसी तरह करते करते वो एक दिन बड़ा डॉक्टर बन गया। और जब ये महिला उसी के अस्पताल में एडमिट हुई तो इसने उसे पहचान लिया और उसके उपकार के बदले में उसने उसका सारा इलाज कर दिया और उसे एक नई जिंदगी दे दी। इसीलिए कहते हैं दर्शकों कि अगर आप किसी पर कोई उपकार करते हैं, किसी को खुशियाँ देते हैं, तो करोड़ों गुना आपके पास फिर से लौट कर आती है। तो बस जीवन में किसी की मदद कीजिए, किसी को खुशियाँ बांटिए, आप यकीन मानिए आप कभी निराश नहीं होंगे, आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। और जो सुकून मिलेगा ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो सबसे लाजवाब होता है और बेशकीमती होता है। तो आज की बोध कथा है, फिर मिलेंगे नई बोध कथा में, देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। तो दर्शकों, ये थी आज की प्यारी सी बोध कथा, उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी है इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा, तो देर किस बात की, इस नंबर पर मुझे जल्द से जल्द अच्छी अच्छी कथाएं भेजिए, और जब भेजें तो अपना नाम पता सब कुछ मेंशन कर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम बता सके कि उसे हमें आपने पहुंचाया है उस कथा को। तो वक्त है सवाल जवाब का, शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं, पहले इनसे पूछ लेते हैं सब लोग तैयार है भी या नहीं। आप सब तैयार है? बच्चा लोग थोड़ा शांत रहे। ओके, ठीक है, बच्चों का ज्यादा शोर है, बड़ों का आवाज आ नहीं रहा है। खैर, देखते हैं अब सवालों के जवाब में क्या आता है। मेरा पहला सवाल यह है, किस बिहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा इधर पाषाण से निर्मित, उसमें उनकी उंगलियां इस तरह नीचे की तरफ है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? सिर्फ हाथ ऊपर करने, बोलना नहीं है। बेटा आप आ जाओ, एक ही हाथ ऊपर है, पहले बच्चों को मौका दे रहे हैं। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताएं आप? खुशबू घरडे। हाँ, खुशबू घरडे। तो मुझे ये बताइए, कौन सी मुद्रा कहते हैं उसे? भूमिका स्पर्श मुद्रा। भूमिका स्पर्श मुद्रा, भूमिका स्पर्श या भूमि स्पर्श? भूमि स्पर्श, स्पर्श मुद्रा। ये एक्चुअली कहना चाहती है भूमि स्पर्श मुद्रा, बेचारी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन हम समझ गए भूमि का स्पर्श नहीं, भूमि स्पर्श मुद्रा। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में ये सवाल मैं हर 4-5 विहार के बाद पूछता हूँ, बावजूद इसके सिर्फ 2-3 ही हाथ ऊपर हुए हैं, इसलिए कहता हूँ नियमित तौर पर ये कार्यक्रम देखें, बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़े। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है, माता रमाई की जयंती अभी हाल ही में अपन ने मनाई है, किस तारीख को, कौन से महीने की किस तारीख को और कौन से वर्ष में उनका जन्म हुआ था, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर में, वर्ष भी मुझे चाहिए, आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताएं? प्रिया मोतीराज सुखदेवे। जी बताएं, कौन से तारीख को, कौन से महीने की कौन सी तारीख को और कौन से वर्ष में उनका जन्म हुआ? 7 फरवरी 1858। 7
फरवरी 1898 में उनका जन्म हुआ, ऐसा इसका कहना है। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। अरे नहीं, बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल फिर से मैं करने जा रहा हूं। माननीय बाड़ा साहेब अंबेडकर, यानी कि प्रकाश जी अंबेडकर, एडवोकेट प्रकाश जी अंबेडकर, इनके पिताजी का नाम क्या था, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आजा साहब, आप बहुत देर से आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, अभी मैं आपको मौका देता हूँ। आजा साहब। जय भीम साहब। जय भीम सर। जय भीम सर, बताएं आपका परिचय दे पहले तो। मैं मानिक दास कारू जी घरडे। जी बताए। यशवंत जी, यशवंत अंबेडकर। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरा एक सवाल और है। जैसे कि अभी मैंने सवाल किया था कि श्रद्धेय बाड़ा साहब, यानी कि जिन्हें डॉक्टर एडवोकेट प्रकाश जी अंबेडकर, इनके पिताजी का नाम तो हमने पूछा है, यशवंत राव जी अंबेडकर। मेरा अगला सवाल ये है कि इन्हें प्यार से क्या कहकर संबोधित किया जाता था? सिर्फ हाथ आ जाए आप ऊपर। सबसे पहले सवाल करते से ही हाथ ऊपर हो गया और एक ही हाथ ऊपर हुआ है। आ जाए। जय भीम। आपका परिचय दे। सुहासिनी घरडे। जी बताए। भैया साहेब। भैया साहेब। अरे बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही है, भैया साहब कहकर उन्हें संबोधित किया जाता था, सूर्य पुत्र उन्हें कहा जाता था। और मेरा अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, ये जब तपस्या करने के लिए इन्होंने घर छोड़ा था, उस वक्त जो सारथी ने इन्हें छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या है? किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर। आ जाए आप। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। माझं नाव जुही प्रभाकर घरडे। जी बताएं क्या जवाब है इसका? छन्न। छन्न। और इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, जोरदार तंग जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। अब देखना यह है कि अंतिम सवाल कर रहा हूं। मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, हर बार मैं एक सवाल पंचशील से जुड़ा जरूर करता हूँ, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर। मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी। आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। बबीता बागड़े। जी बताए। मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, इसका अर्थ क्या होता है? मी खोटा बोलना नहीं, याची मी शपथ घेते, मैं झूठ कहूंगा नहीं, झूठ से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। मैं बार बार कहता हूं दर्शकों कि कम से कम त्रिशरण पंचशील हम ग्रहण करते हैं, पंचशील का मतलब हमें बच्चों को बताना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। और आवाज इंडिया टीवी पे कई बार रोज शाम को वंदना होती है, उसमें इसके सारे मतलब दिखाए जाते हैं, आप रेगुलर देखें और बच्चों को भी ये दिखाएं। तो दर्शकों सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं, वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों वक्त आ गया है सबके साथ बच्चों के साथ गेम खेलने का, लेकिन अपना विहार अपनी आवाज में बच्चों के गेम के इतिहास में पहली बार चार उपासक इस वक्त हमारे साथ में है, जो ये गेम हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। हमने भी उनका दिल रखते हुए उन्हें इजाजत दी है कि ये एकाग्रता बढ़ाने वाला गेम हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में उपासक उपासिका तो नहीं बोलूंगा, बालक बालिकाओं के साथ उपासक मेरे साथ मौजूद है। चार महारथी इस वक्त आज हमारे साथ गेम खेलने वाले हैं। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है और ये गेम वही खेलने जा रहे हैं जिस गेम का नाम मैं बच्चों का भूल गया फिर से नाम। बच्चों गेम का नाम क्या है? अब इन्हें ऐसे खड़े रहना है और ऐसा करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इंस्टेंटली इनको कर कर दिखानी है। तो आइए देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। शुरू करते हैं। नागपुर कानपुर, जल्दी जल्दी।
महिला और बच्चों का हाल तो आप देख ही रहे हैं। दर्शकों, सर्दी का मौसम है, ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, एक बार फिर से वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे याद है आज का सुविचार। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी, कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। तो संघर्ष से ना कतराएं। बाबा साहब ने भी कहा था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संघर्ष जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको तराशता है। तो बस बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज। पैर बोला, सबने कान पकड़े। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार, अपनी आवाज में। वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, तो आइए, आओ मिलकर गाएं। वक्त हो गया है अब वही गेम खेलने का, जो गेम हम इतने सालों से खेलते आए हैं और जिस गेम का आपको हर रात रहता है बेसब्री से, जिस गेम से आपको ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो इन सबको करना ये है कि इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर कोई भी एक पार्ट छूने के लिए कहूंगा। बॉडी के उस पार्ट को इन्हें दोनों हाथों से छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो एक ट्रायल हम ले लेते हैं हमेशा की तरह, तो आइए पहले ट्रायल ले लेते हैं। सर को हाथ लगाइए, ओके, नीचे ले लीजिए, ठीक है, ओके, रेडी। दर्शकों, मैंने सबसे कहा सर पे हाथ लगाइए, सबने लगा के दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग मेंटली ओके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे दिमागी रूप से पूरी तरह से विकसित सामान्य हैं। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद, समझ गए ना आप, तो चलिए देखते क्या होता है। रेडी, आप सबका समय शुरू होता है अब। मेरी तरफ देखना है, पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। दर्शकों, क्या कहूं मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहते बोलने के लिए। इन सबसे मैंने कहा भाई पैर को पकड़िए, और ये सबने कान को पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि आज भी कोई विनर न कभी था न कभी होगा, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम लेता है दर्शकों वो उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में खो जाता है। जब हम जय भीम यहाँ से कहते हैं, तब इतने दिल से कहते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, सिर्फ हम आपको दिखते हैं तो सिर्फ हमारे बाबा साहब, और हम कहते रहते हैं जय भीम जय भीम जय भीम। और
जब मैं इनसे कहता हूँ पकड़िए पैर, तो ये इतने खो चुके होते हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और ये पकड़ लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ दर्शकों, और बड़े अभिमान के साथ कहता हूँ कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को मजबूत बनाने के लिए आपको इसे नियमित तौर पर देखना है, जैसे आप देखते हैं, औरों को भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करना है जो आप करते हो। और हाँ, क्या याद आ गया? हाँ, अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन, अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, प्रतिष्ठान का कोई भी एक विज्ञापन वर्ष में एक बार तो भी आवाज़ इंडिया टीवी पर जरूर दें और इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे एक जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमच्या कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमच्या कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, और आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमच्या कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। दर्शकों, वक्त हो गया सबके साथ मिलकर एक बार फिर से वही शपथ दोहराने का जो हर बिहार में हम आपके साथ मिलकर लेते हैं। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वह वंदना करेंगे, यथाशक्ति धर्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे।
तो दर्शकों ऐसा था ये मातोश्री रमाई बुद्ध विहार जो आता है अशोक नगर फुल मोगरा इस गांव में जिसका जिला है भंडारा महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा विहार है तो बिल्कुल देर ना करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे विहार की संपूर्ण जानकारी पहुंचाइए, हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का। तो बस दर्शकों और आपको याद दिला दूं सारे विहार मौजूद है यूट्यूब पर, टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते उस विहार का नाम। साथ ही साथ अगर आपके पास अच्छी बोधकथा सुविचार है तो वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर हम तक पहुँचाइए। और आपको याद दिला दूं अब आप आपके स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आवाज़ इंडिया टीवी का ऐप, जिस तरह आप गेम डाउनलोड करते हैं बस उसी तरह आवाज़ इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड कीजिए और लाइव आवाज़ इंडिया टीवी सिलेक्ट कीजिए। सीधा प्रसारण आप आपके मोबाइल में कहीं भी कभी भी आवाज़ इंडिया टीवी के हर कार्यक्रम का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन सुमित जी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। बहुजनों की बुलंद आवाज़, आवाज़ इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज़ इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज़ इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज़ इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।